नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास राज शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह है टाइपिंग डिक्टेशन है। इसकी गति 40 शब्द वर्ड प्रति मिनट की रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। यदि मैं तानाशाह होता तो विदेशी माध्यम द्वारा शिक्षा तुरंत बंद कर देता, कौमा जो अध्यापक इस परिवर्तन के लिए तैयार ना होते उन्हें बर्खास्त कर देता, कौमा पाठ्य पुस्तकों के तैयार किए जाने का इंतजार ना करता। ब्राम प्रयाग निवासी पिछले एक पखवारे से महात्मा गांधी के इन शब्दों को अपने नगर के अनेक स्थानों पर चिपके पोस्टरों पर लिखे देखते रहे हैं। ब्राह्म उत्तर प्रदेश डैश शासन द्वारा जो भाषा विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ था उसे ही इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि हम लोगों ने राष्ट्रपिता के इन शब्दों को याद करने डैश कराने की कोशिश की। ब्राह्म शासन के इस प्रयास से जो चेतना जागृत हुई, कौमा स्वभाषा के अपमान की जो तीव्र प्रतिक्रिया हमारे मन में हुई, कौमा उसके फल स्वरूप ऐसा जान पड़ने लगा कि स्वदेशी आंदोलन की तरह स्वभाषा आंदोलन भी चल निकलेगा। ब्राह्म प्रयाग ने इस स्वतः स्फूर्त अभियान में प्रदेश का नेतृत्व किया। ब्राह्म एक सार्वजनिक सभा में विधेयक का विरोध किया गया और यह निश्चय किया गया कि विरोध को सक्रिय सुसंगठित संघर्ष का रूप देने के लिए योजना डैशबद्ध कार्य किया जाए। ग्राम एक हिंदी संघर्ष समिति स्थापित हुई जिसके तत्वावधान में एक व्यावहारिक कार्यक्रम बना। ग्राम निश्चित हुआ कि सितंबर 8 से एक विधेयक विरोधी सप्ताह मनाया जाए जिसकी पूर्णाहुति हिंदी दिवस कोष्टकोपन 14 सितंबर कोष्टकबंद को एक सार्वजनिक सभा के रूप में हो। ब्राह्म आंदोलन की एक विवरणिका
प्रकाशित हो, कौमा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सभाएं की जाएं, कौमा एक सबल संघात जनसमूह के मन और मस्तिष्क पर पड़े। ब्राह्म शासन ने विधान परिषद में अपने विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले ही विचार बदल दिया। इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति या वर्ग को देना गलत है। शासन का यह मतदेश परिवर्तन मूलतः संदुविवेक के सहसा जाग उठने का परिणाम था या संभाव्य जनविरोध की कल्पना का, कौमा यह कौन जाने। ब्राह्म पर यह अस्वाभाविक नहीं था कि हिंदी वालों ने विधेयक की विभीषिका का हट जाना अपने अभियान की सफलता का प्रमाण माना। ब्राह्म विधेयक के रद्द होने डैश या रद्द होना निश्चित हो जाने डैश के बाद विधेयक विरोधी सप्ताह मनाने की जरूरत नहीं रही। ब्राह्म यह सहज स्वाभाविक जान पड़ता यदि संघर्ष समिति एक औपचारिक बैठक कर के शासन को बधाई देती और अपनी कार्यसिद्धि पर प्रसन्न होकर खेल खत्म का नोटिस लटकाकर, कौमा दरवाजे बंद कर देती। ब्राह्म पर उसने किया कुछ और ही। ब्राह्म उसने बधाई का संदेश तो मुख्यमंत्री के पास भेजा, पर साथ ही यह भी निश्चय किया कि ना अपना नाम बदलेगी ना काम। ब्राह्म विधेयक के विरोध में ना सही, कौमा पर संघर्ष जारी रखने की आवश्यकता अब भी थी। डैश इस कारण समिति ने अपने कार्यक्रम को प्रायः पूर्ववत ही रखने का निश्चय किया। ब्राह्म इसके अनुसार सप्ताह भर स्थान डैश स्थान पर सभाएं हुई। स्टॉप।